नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त से राज्य मंत्रिमंडल में बैठक ने लिया निर्णय। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीरवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल में हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त से बुलाने का फैसला लिया गया। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। मित्रों, आज हमारी कैबिनेट मीटिंग थी और उस कैबिनेट मीटिंग में कोई 16-17 एजेंडा ऐसे थे जिन पर चर्चा हुई। मुख्य जिन पर बातचीत हुई है उसकी चर्चा मैं करूंगा। सबसे पहले तो एक रिकमेंडेशन हमने गवर्नर साहब को भेजी है कि विधानसभा का सत्र इस अगस्त के 26 तारीख को बुलाया जाए। मुझे लगता है कि राज्यपाल हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और स्पीकर साहब को निर्देश देंगे कि 26 को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाएं, और वो सत्र कितना होगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उस पर हम लोग 26 तारीख को ही प्रातःकाल निर्णय करेंगे। एक बड़ा विषय जो आज हरियाणा के लिए बहुत गर्व की बात है कि गुरुग्राम में हमारा जो मेट्रो के लिए हमने जो कॉरपोरेशन बनाई है उसका पहला प्रोजेक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा। 28.8 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर से और जो गुरुग्राम की जो पहले पुरानी लाइन है रैपिड मेट्रो उसको जोड़ेगी पूरे शहर का एक राउंड लेते हुए। 6821 करोड़ रुपए का इसका बजट है, तो उसकी जो DPR बनी है उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। दूसरा जो निर्णय लिया कि हमने म्यूनिसिपल बॉडीज़ के, चाहे वो कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, उनके मेयर के चुनाव ये डायरेक्ट कर दिए हैं। लेकिन एक अमेंडमेंट उस समय शेष रह गया कि जब ये डायरेक्ट किए गए 2019 में, उससे पहले के जो हुए हुए इलेक्शन थे उनमें एज इट इज वही व्यवस्था रहेगी, ये अमेंडमेंट उस समय रह गई थी, जिसके कारण से कुछ केसेस कोर्ट में आ गए। तो अब अल्टीमेटली आज हमने उसमें एक संशोधन करके कि जो पहले की चुनी हुई म्यूनिसपैलिटीज हैं उनमें नो कॉन्फिडेंस का या दोबारा चुने जाने का जो प्रावधान है वो पुराने एक्ट के हिसाब से ही रहेगा। अमेंडमेंट तो 2019 जब से लागू हुई है उसके बाद डायरेक्ट चुनाव जितने होंगे ये चेयरमैन के और मेयर्स के होंगे, पहले वाली कमेटियों पर वही पुराने नियम लागू रहेंगे। एक निर्णय हमने लिया है कि हर्षक नाम से जो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सामान्यतया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी एरियल सर्वेज हैं, जितने भी डिजिटलाइज्ड सिस्टम हैं उसको वो करती है, तो अब उसका हर्षक का संबंध साइंस टेक्नोलॉजी से निकाल करके और जो नया डिपार्टमेंट बना है क्रेड डिपार्टमेंट, सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, अब उसके साथ जुड़ दिया है और उसके माध्यम से ये सारे सर्वेज और बाकी सारी चीज़ें हर्षक की क्रिड एक डिपार्टमेंट नया बनाया है ना हमने, जो पीछे मैंने बताया था जिसके अंतर्गत परिवार पहचान पत्र और ये सारी चीज़ें बन रही हैं, उस डिपार्टमेंट में इसको जोड़ा है, जिसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो CM हमारे ऑफिस में है श्री वी उमाशंकर जी, वो उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। माइक्रो इरीगेशन का जो विभाग है वो अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था, लेकिन जैसे केंद्र में वाटर रिसोर्सेज एक डिपार्टमेंट है उसमें पानी की से जुड़ी हुई जितने भी विभाग हैं, जितनी भी योजनाएं हैं वो सब वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जैसे हैं, ऐसे हमने माइक्रो इरिगेशन विभाग को अब एग्रीकल्चर से निकालकर और इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा है, ताकि इरिगेशन के साथ तालमेल भी ठीक रहे और पानी का जितना भी बेस्ट यूज़ हम कर सकते हैं, वो चाहे नहरों का पानी है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर है, और चाहे री यूज ऑफ STPs वाटर उसको कर सके, तो माइक्रो इरीगेशन को और बूस्ट देने के लिए इस काम को हमने किया है। पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जे, इस पर जो एक प्रावधान था जुर्माने करने का, वो प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर
5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर था अभी तक, अब उसको 1% प्रति वर्ष उसका जो कलेक्ट रेट है उस रेट को फिक्स कर दिया है कि जो कलेक्ट रेट का 1% जुर्माना उसका हो सकता है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय से कोई इलीगल उसके ऊपर कब्जा है और उसको छुड़वाना है और मैक्सिमम उसका प्रेजेंट कलेक्ट रेट का 10%, ये इसकी कैप कर दी गई कि इतना जुर्माना लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अम्बाला में गांव साधोपुर, यहाँ महिला एवं बाल विभाग विकास की ओर से इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसमें ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, चिल्ड्रन होम, यानी महिला बाल विभाग विकास विभाग को 7.72 एकड़ ये जमीन नगर निगम द्वारा दी गई है ताकि वहाँ एक मल्टीपल यूटिलिटी का, ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए एक होम बन सके, ताकि ऐसे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं हैं, जो खास करके बाल गृह वगैरह में, बाल कुंज वगैरह में ऐसे जो रहते हैं, तो अम्बाला में एक बड़ा सेंटर उसका बनाया जाए ताकि उन बच्चों की ठीक से देखभाल हो सके। बड़े प्रमुख विषय तो यही थे जो आज कैबिनेट मीटिंग में हुए, लेकिन अनौपचारिक चर्चा में भी कुछ विषय हमने तय किए हैं, फॉर्मेलिटी उसकी बाद में हम तय कर लेंगे कि आगामी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं इसमें पहली बार BCA इस ग्रुप को हम ग्राम पंचायतों के लिए 8% सरपंचों के चुनाव में रिजर्व कर रहे हैं BCA ग्रुप के लिए। ये आज तक कभी पहले यहाँ नहीं हुआ और किसी प्रदेश में भी नहीं है 8%। BCB इसमें अलग रहेंगे क्योंकि BCB में पर्याप्त संख्या पहले से भी वहाँ सरपंचों की होती है, लेकिन BCA के जो ग्रुप के लोग हैं उनमें सरपंचों में प्रतिनिधित्व ना के बराबर बहुत कम होता है, तो इसलिए 8% उसको रोटेशन में इस ढंग से करेंगे कि काफ़ी गाँव उसमें आ जाए, 3 टर्म में, 5-5 साल के टर्म का, 15 साल के बाद उसी गांव का रोटेशन फिर दोबारा आ सकता है, ऐसा एक 25% के आसपास गांव में, ये जहां उनकी आबादी ज़्यादा है क्योंकि तो आबादी के हिसाब से ही उनका रिजर्वेशन का प्रोसेस हम बनाएंगे। महिलाओं के बारे में जहाँ तक विषय है, 33% का रिजर्वेशन तो पहले से उसका एक्ट बना हुआ है और पिछली बार हमने देखा पढ़ी लिखी पंचायतों के प्रावधान के कारण से ये संख्या 42% तक चली गई थी। बहुत अच्छी एक अवेयरनेस जिसको कहना चाहिए महिलाओं के अंदर, पढ़ी लिखी महिलाओं के अंदर है कि पंचायती राज में 42% तक संख्या आई, लेकिन इस बार हमने तय किया है कि हम उनकी 50% भागीदारी ये सुनिश्चित करेंगे। तो और आगे बढ़ने के लिए यानी आधी आबादी, आधी हिस्सेदारी ये ज़रूर हो। अब इसमें प्रारूप निकालेंगे क्या निकलेगा, लेकिन रिजर्वेशन का अलग विषय होता है, भागीदारी का अलग होता है, तो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ 50% की भागीदारी।